दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। मैं आपको जियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जियो सितंबर में लॉन्च हुआ था और अभी तक चल रहा है, लेकिन कुछ अभी सुनने में आया कि 31 मार्च 2017 तक इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। लेकिन उससे भी अहम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं कि जियो अब 15 महीने के लिए, नेक्स्ट 15 मंथ्स के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। और इसमें अब जो पिछले वाली जो स्कीम थी उसके मुकाबले इस बार कुछ चेंज किया हुआ है। 15 महीने के लिए जब आप जियो की सिम अब लेंगे दोबारा, तो उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, 1499 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 15 महीने के लिए। आप कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ पर मंथ जो है हमें ये बैठता है। और इसमें एक और बड़ी कंडीशन है कि जियो की अब जो सिम होगी वो सिर्फ आईफोन में चलेगी, जो एप्पल का आईफोन होता है शुरू में उसी फ़ोन में चलेगी वो। आगे धीरे धीरे कई बहुत सारे लोग हैं जो पहले कहते थे कि 4G सिम जो आई है जियो की वो सिर्फ 4G वाले फ़ोन में चलेगी, लेकिन लोगों ने बहुत सारे ऐसे तजर्बे किए और कंपनियों ने ऐसी ऐप्स डेवलप की कि 3G के मोबाइल में भी चलने लग गई। तो शुरू में जैसे ये नई जो जियो की सिम आई है ये भी जो 15th मंथ के लिए है, तो ये आपके लिए काम करेगी, लेकिन शुरू में इसके लिए आपको आईफोन लेना पड़ेगा, थोड़ा महंगा फ़ोन लेना पड़ेगा। और जो ये आईफोन जो है, मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है clickforshop.in, तो आप ये आईफोन जो है वो वहाँ से विद डिस्काउंट जो है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं clickforshop.in। और ये जियो की बहुत अच्छी प्लानिंग है, जियो का अपना एक स्टैंडर्ड है, इनका एक टारगेट है कि हमें इंडिया से जो है वो 10 करोड़ यूज़र्स बनाने हैं। तो अभी जो हमारे पुराने जियो के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक वेल न्यूज़ है कि आपके लिए जो है वो 15 महीने के लिए और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है इसको रिलायंस कंपनी ने, और इसके लिए आप थोड़ा आपका स्टैंडर्ड भी बन जाएगा। अब आपको आईफोन लेना पड़ेगा, तो फिर आईफोन के साथ थोड़ा अगर आपका हाथ में अगर एप्पल का आईफोन होगा तो आपका भी थोड़ा स्टैंडर्ड होगा और जियो की सिम आपके पास अवेलेबल होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई इसमें गलती हो जाए या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होती तो फिर उसके लिए थोड़ा आप मुझे क्षमा करें। तो फ्रेंड्स, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये नीचे एक रेड कलर का बटन है उस पर आप थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, और लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हो सकता है जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है वो शायद आपको पता ना हो, अगर होगी भी तो अच्छी बात है। तो आप इस तरह से इंजॉय करते रहें, हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।